हेलो एवरीवन माय नेम इज शौर्य गुप्ता एंड इन दिस वीडियो मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं so, हैं सो कुछ स्टेप्स जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं इस वीडियो में जिसका आप यूज करके कि इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं सबसे पहले तो आप बेसिक बेसिक सिंटैक्स को क्लियर करो सिंटैक्स यार कुछ नहीं होता बेसिकली कोड के स्ट्रक्चर को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं कि कैसे लाइन बाय लाइन कोड को लिखा है और जो वर्ड्स यूज होते हैं स्टेटमेंट में कोड की हम उसे सिंटैक्स कहते हैं देन उसके बाद बिल्टन और कंडीशनल्स के बारे में पढ़ो जैसे कि कोई भी नॉर्मल लैंग्वेज होती है हमारी उसमें कुछ हम फाइनाइट वर्ड्स को ही वैलिड मानते हैं ना वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होता है हालांकि इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वोकेबलरी को हम लोग कई बार एक्सटेंड भी करते हैं यूजिंग सम एडिशनल लाइब्रेरीज बट एट द वेरी कोर ऑफ अ लैंग्वेज कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स ही होते हैं जैसे कि सी लैंग्वेज में आपका इफ एल्स कैर और ब्रेक होता है इन की को जानना आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप बेसिक बेसिक एक्सप्रेशंस को ईजीली और खुद से कोड कर पाओ नेक्स्ट लर्न अबाउट द डेटा टाइप्स ताकि आप कोड को यूज कर सको ताकि आप डेटा से डील कर सको एंड देन उसके बाद ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ो ताकि आप डेटा को इजीली एनालाइज कर पाओ मोस्टली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं अक्रॉस लैंग्वेजेस या फिर इवन सिमिलर नहीं होंगे तो सेम होंगे बट कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी लैंग्वेज में अलग होते हैं तो आप उसके लिए आपको चेक करना रहेगा जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए हमारा प्लस साइन होता है विच इज़ सेम अक्रॉस ऑल द लैंग्वेजेस एंड एट द वेरी लास्ट लास्ट स्टेप क्या है हमारा कि यू नीड टू लर्न अबाउट द क्लासेस हाउ क्लासेस एंड फंक्शन आर डिफाइंड इन अ लैंग्वेज इफ अगर आपकी लैंग्वेज क्लासेस को और फंक्शन को सपोर्ट करती है तो सो so इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजीली सीख सकते हैं